सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। आज मैं आपको गुलदाउदी के बारे में कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी बताऊंगा कि आप फूलों के साथ साथ इसका स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। इसको अंग्रेजी में क्रिसेंथम के नाम से भी जाना जाता है। और जब गुलदाउदी के फूल सूख जाएं, जैसे कि जब आपको अगर स्वास्थ्य लाभ लेना है इसका, तो जब पूरे फूल आ जाएं तब आप इस गमले को छाए में भी रखकर सुखा सकते हैं। इससे फूलों की लाइफ भी बढ़ेगी और आप इसको साल भर यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ शॉपिंग साइट्स में इसको क्रिसेंथम टी के नाम से भी बेचा जाता है, लगभग 1500-1600 के हिसाब से, लेकिन आप इसे घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली में कुछ परेशानी है, हाइपर थायराइड है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसके 2 से 3 फूल 1 से 1.5 कप पानी में उबाल कर अगर चाहे तो शुगर भी मिला सकते हैं, या तो ऐसे ही आप पी सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट है तो चीनी ना मिलाएं, आप चाहें तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। इस तरह अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और इसके पत्तों को आप साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तों को अगर आप 3 से 4 पत्तों को अगर आप देसी घी मिला करके छिड़क करके इसको अगर आप जलाते हैं तो आप इसको अगर आप जलाते हैं तो आपको रूम में सारे कीटाणु मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गुलदाउदी का पेड़ अगर साल भर यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से उसको फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप गुलदाउदी के पौधे को जब फूल ख़त्म हो जाते हैं तो कैसे साल भर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लावरिंग के लिए फिर से कैसे तैयार करें। क्योंकि होता ये है कि जैसे इस साल बहुत अच्छी वैरायटी आई, जैसे कि ये मेरे पास एक यूनिक वैरायटी है, मैं इसको अपने फ्रेंड के यहाँ से लाया था, लेकिन अब ये नेक्स्ट ईयर ज़रूरी नहीं है कि मैं खरीदूँ नर्सरी से तो ये मुझे मिल ही जाए। इसके लिए क्या करना होगा, आप कैसे इसको सुरक्षित रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।